नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी प्लेस एंड किसी अन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में यूपी प्लेस जेल बॉर्डर फायरमैन में जो परीक्षा हुई थी 19-20 दिसंबर को और 22 से लेकर 26 मार्च तक जो रनिंग हुई थी, तो दोस्तों हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जिन लोगों की रनिंग हो चुकी है और अब भी लोग बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती बोर्ड फाइनल मेरिट को जारी करे एंड मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट करे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये भर्ती ऑलरेडी लेट चल रही है और क्योंकि ये 2016 की वैकेंसी है, इसलिए भर्ती बोर्ड भी नहीं चाहता है कि अब ज़्यादा इस वैकेंसी को लेट करें। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो फाइनल मेरिट बढ़ेगी यानी कितनी बढ़ सकती है, या फिर मेडिकल कब से हो सकते हैं, या फिर किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और इस एक ही वीडियो में दोस्तों मैं सब कुछ पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा, इसीलिए लिखा है सारे डाउट्स क्लियर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की लेटेस्ट भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन एंड वीडियो आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट को कितना मिला है। तो अगर हम 19 की पहली शिफ्ट में बात करें, तो क्योंकि आपको भी पता है कि जब स्टार्टिंग में कोई भी पेपर होता है तो लोगों को जो भी अभ्यर्थी होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि किस किस लेवल का पेपर होगा या किस टाइप के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो उस शिफ्ट को मैंने ये पोल के माध्यम से पता किया था कि उस शिफ्ट को तो दोस्तों 18 से 19 मार्क तक लोगों के बढ़ के आए हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोगों के 175 क्वेश्चन या फिर वो सॉरी 175 नंबर या फिर 176 नंबर पर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। तो अब हम इसी बात पर आगे चर्चा करेंगे। तो अगर हम 19 की पहली शिफ्ट की भी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा नॉर्मलाइजेशन मिला गया, यानी कि 18 19 नंबर तक का मिला है, और 19 की सेकेंड शिफ्ट को लगभग वही 12 13 का मिला है, और सबसे घाटे की शिफ्ट जो है ना वो 20 की पहली शिफ्ट है। यानी कि 20 की पहली शिफ्ट में पता नहीं भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि सबसे इस शिफ्ट में लोगों के नंबर कम तक हुए हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर कम हुए हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात भर्ती बोर्ड ही जाने कि आखिर कम क्यों की है, और 20 की सेकेंड शिफ्ट को 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो दोस्तों, अब स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि 19 की पहली शिफ्ट को 18-19 नंबर मिले हैं, ठीक, और 19 की सेकेंड शिफ्ट को 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 20 की पहली शिफ्ट को लगभग भाई किसी के नंबर बढ़े नहीं है, इसमें इतनी तो सियोरिटी है कि इसमें नंबर बढ़े नहीं है। कुछ कैंडिडेट बता रहे थे उनके 2 से 3 नंबर कम भी हुए हैं। ठीक है, और 20 की सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलो, अब ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक्यूरेट जो भी नॉलेज देनी थी वो तो दे ही दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे बहुत जो बॉयज़ थे ना, बॉयज़ बहुत कम फेल हुए थे, क्योंकि उन्हें 1 महीने का समय मिल गया था, लगभग 1 महीने 25 दिन का, तो इसलिए उन्होंने, और बॉयज़ की तो प्रैक्टिस ही होती है रनिंग करने थी करने की, इसलिए वो ज़्यादा फेल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा फेल हुई हैं, क्योंकि गर्ल्स को, और फिर ये जो दौड़ हुई थी ना वो मार्च में, ठीक है, अब मार्च में आप समझ सकते हैं क्योंकि धूप हो जाती है सुबह सुबह, कितना भी जल्दी करो तो। हालांकि वो जो जहाँ भी दौड़ हो रही थी वहाँ पे स्टार्टिंग तो दौड़ की 7 बजे से हो जाती थी, लेकिन जो बाद में जो बैच दौड़ाया जाता है वो उसके लिए वही 11 साढ़े 11 तक बस जाते थे, क्योंकि आपको भी पता है एक गोरखपुर में एक केस हुआ था, वो मतलब दो लड़के थे तो एक का तो 11वां चक्कर था, वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ा, और दूसरा दूसरा था वो भी बेहोश हो गया, लेकिन उसके बाद में वो मृत्यु हो गई। तो हम उसको मृत्यु दिन शहीद का दर्जा देना चाहेंगे, क्योंकि उसने 11वां चक्कर जो है अपना 22 मिनट 23 दिन 24
सेकेंड में पूरा कर लिया था, यानी कि उसकी अगर वो बेहोश ना होता तो उसकी दौड़ तो पूरी हो जाती। ठीक है, तो अब वही देखते हैं फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है। तो फाइनल मेरिट अगर हम जनरल में की बात करें बॉयज़ में, तो जनरल की एक से नहीं सॉरी, फाइनल मेरिट 2 से, दो से 3 नंबर तक बढ़ सकती है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो 1 से 2 नंबर तक बढ़ सकती है। एससी एसटी की मेरिट मैं लिख के दे रहा हूँ कि एससी एसटी की मेरिट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती बहुत पुरानी है और काफ़ी लड़के कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि 49,568 में भी लड़के जा चुके होंगे और 41,520 में भी जा चुके हैं, इसलिए मेरिट बढ़ने के बहुत कम चांस हैं। अगर आप लोगों की रनिंग क्लियर हो चुकी है तो दोस्तों आप मेडिकल की तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक कि आप सिलेक्ट हों और जल्द ही हम आपका इंटरव्यू लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और इसी तरह की अगर आप और भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।